पदार्थ साधर्म्य वैधर्म्य इस प्रकरण को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। पूर्व पाठ में हम पदार्थ साधर्म्य वैधर्म्य की चर्चा किए थे। उन पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन सातों पदार्थों की चर्चा हुई, जिसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। अब उन द्रव्य का क्या साधर्म्य है और उसका क्या वैधर्म्य है, इसकी चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य का लक्षण क्या है। शास्त्रकारों ने द्रव्य का लक्षण किया है गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्त्वम्। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, सत्ता एक प्रकार की जाति है जो पर जाति के नाम से जानी जाती है। यह सत्ता द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहती है और ये तीनों में समवाय संबंध से यह सत्ता रहती है। अब जब हम द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं तो गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्त्वम्, ये द्रव्य का लक्षण हो गया। जो सत्ता गुण और कर्म में नहीं रहे उसे हम द्रव्य, गुण और कर्म में नहीं रहते हुए सत्ता जहाँ रहे उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का अन्य भी लक्षण है गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम्। द्रव्य हमेशा सगुण ही होता है, द्रव्य निर्गुण कभी नहीं होता है, इसलिए गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम यह द्रव्य का लक्षण हुआ। एक विचारणीय तथ्य यह है, जब हम गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम करते हैं तो न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है कोई भी द्रव्य उत्पत्ति काल में निर्गुण होता है और निष्क्रिय होता है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। तो ऐसे उत्पत्ति कालीन द्रव्य में जब कोई गुण नहीं रहेगा, कोई क्रिया नहीं रहेगी, उस उत्पत्ति कालीन द्रव्य में यह गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम ऐसा जो द्रव्य का लक्षण किया गया है वह लक्षण तो उसमें जाएगा नहीं, तो उसे हम द्रव्य कैसे कह सकते हैं। इसका समाधान है गुण समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। गुण का समानाधिकरण जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है उसे हम द्रव्य कहते हैं, पृथ्वी जल तेज इत्यादि कहते हैं। अब गुण का समानाधिकरण जो होगा वह स्थितिकालीन द्रव्य ले लिया जाएगा। एतावता जो उत्पत्तिकालीन द्रव्य है या स्थितिकालीन द्रव्य है सर्वत्र गुणाश्रयत्वम यह लक्षण चला जाएगा। दूसरी बात क्रियाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, यह जो लक्षण किया गया है वह पृथ्वी आदि चतुष्टय और मन में तो जा सकता है क्योंकि यह मूर्त पदार्थ हैं, इसलिए इनमें क्रियाश्रयत्वम यह लक्षण जा सकता है, लेकिन आकाश काल दिशा और आत्मा इनमें क्रिया नहीं होती है क्योंकि यह केवलान्वयी है, सर्वत्र विद्यमान होते हैं या व्याप्य होकर के रहता है, इसलिए इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। एतावता क्रियावत्वम द्रव्य से लक्षणम, यह जो लक्षण द्रव्य का है यह आकाशादि में नहीं जा पाएगा। इसका क्या समाधान होगा, इसमें भी वही तरीका है क्रियावद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, यह लक्षण कर देने से समस्त द्रव्य में यह लक्षण घटित हो सकता है। द्रव्य की संख्या 9 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। कारिकावली में विश्वनाथ पंचारण भट्टाचार्य लिखते हैं क्षित्यप तेजो मरुद व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। यहाँ क्षिति शब्द, अप शब्द, तेज, क्षिति शब्द क्यों कहा गया, ये दिनकरी टीका में क्षिति ही पृथ्वी ऐसा लिखा है।
क्यों ऐसा कहे? अपत्रिंत्रिच स्वश्री नपत्री नष्टि एक सूत्र है पाणिनि का, क्षिति शब्द से क्षयवाचक अर्थ नहीं लिया जाए इसलिए उसे स्पष्ट करने के लिए क्षिति ही पृथ्वी ऐसा कहा गया है। अप शब्द जलवाचक है, आपो जलानी टीकाकार लिखते हैं, ऐसा इसलिए स्पष्टता के लिए है कि अप शब्द से अपत्रिंत्रिच स्वश्री नपत्री नेष्ट्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम इस सूत्र से अप शब्द का वहाँ ग्रहण न कर लिया जाए इसलिए यहाँ आपह जलानी ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। तेज, तेजह, तेज से अग्नि का ग्रहण होता है, मरुत को वायु कहते हैं, मरुत वायु हो, व्योमह आकाशः, व्योम शब्द से आकाश का ग्रहण होता है, काल कहीं अंतक का बोध न करा दे, यमराज का बोध न करा दे इसलिए कालः समयः, दिक दिशा, और देही आत्मा को कहते हैं, देह युक्त जो हो उसे देही कहते हैं, वह देही आत्मा है, और मन, ये नौ द्रव्य कारिकावली में और अन्य ग्रंथों में बतलाए गए हैं। तो द्रव्यों की कुल संख्या नौ है। क्षित्यादि नौ का साधर्म्य क्या है? क्षित्यादि नवानाम साधर्म्यम, एक तो साधर्म है द्रव्यत्वम, दूसरा है गुणवत्वम। द्रव्य में चूंकि द्रव्यों की संख्या नौ है इसलिए इनमें इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम, यह जो एकाकारा प्रतीति होती है इस एकाकारा प्रतीति का नियामक एक द्रव्यत्व जाती है, यही द्रव्यत्व इन नवो द्रव्यों का साधर्म है। दूसरा साधर्म है गुणवत्वम, ये सभी नौ द्रव्य गुण वाले होते हैं, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं रहता हो, द्रव्य का लक्षण ही है गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैं इसे भी स्पष्ट जानना चाहिए। एक कारिका है, वायोर नवैकादश तेजसो गुणाः जल क्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च, वायु में नौ गुण रहते हैं, वायोः नव, एकादश तेजसो गुणाः ग्यारह गुण तेज के होते हैं, जल क्षिति प्राण भृतां चतुर्दश, जल क्षिति अर्थात पृथ्वी और प्राण भृत का मतलब आत्मा, इन तीनों में चौदह चौदह गुण रहते हैं, दिक् कालयोः पंच दिशा और काल में पांच गुण हैं, और षडेव चांबरे छह गुण आकाश के हैं, महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च परमात्मा में और मन में आठ आठ गुण रहते हैं। क्षित्यादि चार और मन का जो साधर्म्य है वह है परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रियावत्व और वेगवत्व, इन पांचों में परत्व अपरत्व रहता है, मूर्तत्व, मूर्तत्व का मतलब होता है क्रियावत्व मूर्तत्व, क्षित्यादि चार और मन में क्रिया होने से इनका साधर्म्य मूर्तत्व हो गया, क्रियावत्व भी वही पदार्थ है और वेगवत्व भी, तो ये पांच के जो साधर्म्य हैं वह परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रियावत्व और वेगवत्व। क्षितिर्जलम तथा तेजः पवनो मन एव च परापरत्व मूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी, इन पांच के साधर्म्य ये हुए। धन्यवाद।